आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र सिद्धारमैया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इस पर विवाद हो गया है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक कांग्रेस नेता यतीन्द्र सिद्धारमैया ने गुरुवार 28 मार्च को अमित शाह को गुंडा और दबंग बताया। यतीन्द्र ने यह भी कहा कि शाह पर गुजरात में हत्या के आरोप है, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, लेकिन अभी वो देश में उच्च पद पर बैठे हुए हैं। भाजपा सांसद एस मुनिस्वामी ने यतीन्द्र के बयान पर कहा कि वह निराश हैं क्योंकि उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए मैसूर से टिकट नहीं दिया गया। सिद्धारमैया ने यतीन्द्र को मैसूर से टिकट देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने टिकट नहीं दिया। यही कारण है कि वह इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। फिलहाल वह यतीन्द्र अभी एक छोटा बच्चा है, उसे राजनीति में कोई अनुभव नहीं है। ये लोग भाजपा के खिलाफ जितनी बात करेंगे, भाजपा और उसका नेतृत्व उतना ही मजबूत होगा। भाजपा नेता एन रवि कुमार ने कहा कि हम यतीन्द्र के खिलाफ चुनाव आयोग और पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे। यतीन्द्र सिद्धारमैया ने गृह मंत्री अमित शाह के लिए बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए राजनामा टीवी।